काकतिष्ठा बहुध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी महत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे संस्कृत में शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग इन संस्कृत। आइए शुरू करते हैं। कामदेव, कामदेव को संस्कृत में कहते हैं पुष्प धनवन। कारण, कारण को संस्कृत में कहते हैं कारणम या हेतुः। कारीगर, कारीगर को संस्कृत में कहते हैं शिल्पी या कारुकः, शिल्पी या कारुकः। अगला है कार्टून, कार्टून को संस्कृत में कहते हैं उपहास चित्रम यानी उपहास चित्रम। कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन को संस्कृत में कहते हैं निगमः। कॉलेज, कॉलेज को संस्कृत में कहते हैं महाविश्वविद्यालय, महाविद्यालय। कितना, कितना को संस्कृत में कहते हैं कियत। किरण, किरण को संस्कृत में कहते हैं गभस्तिया। किवाड़, किवाड़ को संस्कृत में कहते हैं कपाटम। किसान, किसान को संस्कृत में कहते हैं कृषकः या कृषि बलः या कृषकः। की ओर को संस्कृत में कहते हैं प्रति। कीचड़, कीचड़ को संस्कृत में कहते हैं कर्दम। कुंद्रू, कुंद्रू को संस्कृत में कहते हैं कुंद्रुः। कुछ या थोड़ा, इसको संस्कृत में कहते हैं इस्त। कुटिया, कुटिया को संस्कृत में कहते हैं कुटी। अगला है कुतिया, कुतिया को संस्कृत में कहते हैं शर्मा या शुनी। कुतिया को संस्कृत में कहते हैं शर्मा या शुनी। कुत्ता, कुत्ता को संस्कृत में कहते हैं श्वानः या कुकुरः या शार्मेह। कुंद, कुंद को संस्कृत में कहते हैं कुंदम। कुमुद की लता, इसको संस्कृत में कहते हैं कुमुदनी। कुमार, इसको संस्कृत में कहते हैं कुंभकारः कुलालः। कुर्ता, कुर्ता को संस्कृत में कहते हैं कंचुकः या निचोलः। कुर्सी, कुर्सी को संस्कृत में कहते हैं आसंदिका। कुल्फी, कुल्फी को संस्कृत में कहते हैं कुल्पी। अगला है कृपाण, कृपाण को संस्कृत में कहते हैं कौशिकेह। केकड़ा, केकड़ा को संस्कृत में कहते हैं करकटः या कुलीरः। केतली, केतली को संस्कृत में कहते हैं कंदुः। केला, केला को संस्कृत में कहते हैं कदलीफलम। केवल, केवल को संस्कृत में कहते हैं मात्रम। कैची, कैची को संस्कृत में कहते हैं कर्तरी। कैंथ, कैंथ को संस्कृत में कहते हैं कपित्थ। कैंसर, कैंसर को संस्कृत में कहते हैं वृद्धि या कर्कटः। कापी, कापी को संस्कृत में कहते हैं संचिका या कफधनी। कोंपल, कोंपल को संस्कृत में कहते हैं किसलयम। कोठरी, कोठरी को संस्कृत में कहते हैं लघु कक्षः। कोतवाली, कोतवाली को संस्कृत में कहते हैं कोटपालिका। कोदो, कोदो को संस्कृत में कहते हैं कोद्रः।
कोमल स्वर। कोमल स्वर को संस्कृत में कहते हैं मंद्रह। कोयल, कोयल को संस्कृत में कहते हैं कोयलह या पीकह या पर्वतह या कोकिला। कोलू, कोलू को संस्कृत में कहते हैं रसयंत्रम। कोहड़ा, कोहड़ा को संस्कृत में कहते हैं कुष्मांडह या तुम्बी। कोहनी, कोहनी को संस्कृत में कहते हैं कफोड़ीह। कौवा, कौवा को संस्कृत में कहते हैं काकह या ध्वांडक्षः। क्योंकि, संस्कृत में कहते हैं ही या यतः। क्रीम, क्रीम को संस्कृत में कहते हैं शरः। खजाना, खजाना को संस्कृत में कहते हैं कोशः। खज्जन, खज्जन को संस्कृत में कहते हैं खज्जनः। खटीक, खटीक को संस्कृत में कहते हैं शाक विक्रेता। खटिया, खटिया को संस्कृत में कहते हैं खटवा। खपड़ा, खपड़ा को संस्कृत में कहते हैं खरपरा। खपड़ेल का, इसको संस्कृत में कहते हैं खरपरावर्तम। खंबा, खंबा को संस्कृत में कहते हैं स्तंभ। खरगोश, खरगोश को संस्कृत में कहते हैं शशकः। खरबूजा, खरबूजा को संस्कृत में कहते हैं व्रत कर्कटी या खरबूजम। खरीद, खरीद को संस्कृत में कहते हैं क्रयः। खरजूरम, खरजूरम को संस्कृत में कहते हैं खजूर। खलियान, खलिहान को संस्कृत में कहते हैं खलम। खास्तापुरी, खास्तापुरी को संस्कृत में कहते हैं शशकुली। खांसी, खांसी को संस्कृत में कहते हैं काशः। खाजा, खाजा को संस्कृत में कहते हैं मधुशीर्षः। खाद, खाद को संस्कृत में कहते हैं उर्वकः या खादम। खान, खान को संस्कृत में कहते हैं खानिह। खिचड़ी, खिचड़ी को संस्कृत में कहते हैं करसरा। खिड़की, खिड़की को संस्कृत में कहते हैं गवाक्षः। खीर, खीर को संस्कृत में कहते हैं पायसम। खीरा, ककड़ी, इसको संस्कृत में कहते हैं करकटी या और चरबटिया। खुशी, खुशी को संस्कृत में कहते हैं हर्षम। खुंटी, खुंटी को संस्कृत में कहते हैं नागदंतः। खून, खून को संस्कृत में कहते हैं रुधिरम। खेत, खेत को संस्कृत में कहते हैं क्षेत्रम। खेती, खेती को संस्कृत में कहते हैं कृषिः। खेती का औजार, खेती के औजार को संस्कृत में कहते हैं कृषि यंत्रम। खोआ, खोआ को संस्कृत में कहते हैं किलाटः। गंडसा, गंडसा को संस्कृत में कहते हैं तोमरः। गजक, गजक को संस्कृत में कहते हैं गजकः। गडरिया, गडरिया को संस्कृत में कहते हैं अजाजीवः। गदा, गदा को संस्कृत में भी गदा कहते हैं। अगला है गद्दा, गद्दा को संस्कृत में कहते हैं तूलसंत्रः। गधा, गधा को संस्कृत में कहते हैं गर्दभः या खरः। गंधक, गंधक को संस्कृत में कहते हैं गंधकः। गंबूट, गंबूट को संस्कृत में कहते हैं अनुपदीना।
गया हुआ परसों को संस्कृत में कहते हैं हयासो, गर्मी, या सिफिलिस को संस्कृत में कहते हैं उपदसह या उपदंसम, गरीब, गरीब को संस्कृत में कहते हैं निर्धनः, गर्दन, गर्दन को संस्कृत में कहते हैं ग्रिया, गर्मी, गर्मी को संस्कृत में कहते हैं तापः, गला, गला को संस्कृत में कहते हैं कंठः, गली या गैलरी इसको संस्कृत में कहते हैं वीथिका, गलेबंद, गलेबंद को संस्कृत में कहते हैं गलेबंद नासुकम, गांव को संस्कृत में कहते हैं ग्रामः, गांठ गोभी को संस्कृत में कहते हैं कंद शाकम, गाजर, गाजर को संस्कृत में कहते हैं ग्रजनम, गाभिन को संस्कृत में कहते हैं गर्भिणी, गाय, गाय को संस्कृत में कहते हैं गोधेनुः, गाल, गाल को संस्कृत में कहते हैं कपोलम, गिद्ध, गिद्ध को संस्कृत में कहते हैं ग्रधा, गिनती, गिनती को संस्कृत में कहते हैं गणना, गिरगिट, गिरगिट को संस्कृत में कहते हैं कर्कलाशः, गिलहरी, गिलहरी को संस्कृत में कहते हैं वर्षसायिकः या किचोड़ः या चिक्रोड़ः, ग्लास, ग्लास को संस्कृत में कहते हैं चषकः, गीदड़ यानी सियार इसको संस्कृत में कहते हैं श्रृगालः या गोमायुः, गुझिया, गुझिया को संस्कृत में कहते हैं सनियाः, गुप्ती, गुप्ती को संस्कृत में कहते हैं करबालिका, गुफा, गुफा को संस्कृत में कहते हैं गुहरम, गुलदस्ता, गुलदस्ता को संस्कृत में कहते हैं इस्तबकः, गुलाब, गुलाब को संस्कृत में कहते हैं स्थल पजाम, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन को संस्कृत में कहते हैं दुग्ध पुपिका, गुसाई, गुसाई को संस्कृत में कहते हैं गोस्वामी, गुगुल, गुगुल को संस्कृत में कहते हैं गुगुलः, गुलर, गुलर को संस्कृत में कहते हैं उदुम्बरम, गेंद, गेंद को संस्कृत में कहते हैं कंदुकः, गेहूं, गेहूं को संस्कृत में कहते हैं गोंधम, गेंडा, गेंडा को संस्कृत में कहते हैं गेंडकः, गैर हाजिर इसको संस्कृत में कहते हैं अनुपस्थितः, गुजिहा, गुजिहा को संस्कृत में कहते हैं हिंदी में कहते हैं फूल गोभी, यानी जो फूल गोभी है उसको संस्कृत में गुजिहा कहते हैं, गोली, गोली को संस्कृत में कहते हैं गुलिका, गोह, गोह को संस्कृत में कहते हैं गोधा, ग्लेशियर, ग्लेशियर को संस्कृत में कहते हैं हिमसरितः, ग्वाला, ग्वाला को संस्कृत में कहते हैं गोपालकः या गौपालक, घड़ा, घड़ा को संस्कृत में कहते हैं घटः या कुंभः, घड़ी, घड़ी को संस्कृत में कहते हैं घटिका, घंटा, घंटा को संस्कृत में कहते हैं होरा, घर, घर को संस्कृत में कहते हैं आलय या आलयः, घर के बाहर का चबूतरा।
को संस्कृत में कहते हैं अलिंदह। घाटी, घाटी को संस्कृत में कहते हैं अद्रिद्रोणी। घास, घास को संस्कृत में कहते हैं तृणम। घी, घी को संस्कृत में कहते हैं घृतम या आज्यम। घुंघरू, घुंघरू को संस्कृत में कहते हैं किंकड़ी। घुटना, घुटना को संस्कृत में कहते हैं जानुआ। घुड़सवार, घुड़सवार को संस्कृत में कहते हैं सादिन। घेवर, घेवर को संस्कृत में कहते हैं घृतपूरह। घोंसला, घोंसला को संस्कृत में कहते हैं कुलायह। घोड़ा, घोड़ा को संस्कृत में कहते हैं अश्व। और सौंधवम और सप्तिह या वाजिन या हयह। चकवा, चकवा को संस्कृत में कहते हैं चक्रवाकः। चकोत्रा को संस्कृत में कहते हैं मधुकर्कटी। चकोर, चकोर को संस्कृत में कहते हैं चकोरः। चचेरा भाई, चचेरा भाई को संस्कृत में कहते हैं पितृव्यः पुत्रः। चटकनी, चटकनी को संस्कृत में कहते हैं कीलः। चटनी, चटनी को संस्कृत में कहते हैं अवलेह। चट्टान, चट्टान को संस्कृत में कहते हैं शिला। चढ़ाव, चढ़ाव को संस्कृत में कहते हैं आरोह। चना, चना को संस्कृत में कहते हैं चणकः। चंदन, चंदन को संस्कृत में कहते हैं चंदनम। चंद्रमा, चंद्रमा को संस्कृत में कहते हैं सुधांशुः या चंद्रमा। चपरासी, चपरासी को संस्कृत में कहते हैं प्रेष्यः। चप्पल, चप्पल को संस्कृत में कहते हैं पादुका। चबूतरा, चबूतरा को संस्कृत में कहते हैं चतुरम या स्थंडलिडम। चमार, चमार को संस्कृत में कहते हैं चर्मकारः। चमेली, चमेली को संस्कृत में कहते हैं मालती। चम्मच, चम्मच को संस्कृत में कहते हैं चमसः। चर्वी, चर्वी को संस्कृत में कहते हैं वसा। चांद, चांद को संस्कृत में कहते हैं चंद्रम या चंद्र। चांदनी, चांदनी को संस्कृत में कहते हैं ज्योत्सना। चांदी, चांदी को संस्कृत में कहते हैं रजतम। चांसलर को संस्कृत में कहते हैं कुलपतिः। चाकू, चाकू को संस्कृत में कहते हैं छुरिका। चाचा, चाचा को संस्कृत में कहते हैं पितृभ्यः। चाची, चाची को संस्कृत में कहते हैं पितृभ्यः पत्नी। चाट, चाट को संस्कृत में कहते हैं अवदस्मः। चातक, चातक को संस्कृत में कहते हैं चातकः। चादर, चादर को संस्कृत में कहते हैं शय्याच्छदानम् या प्रच्छदः। चाबुक को संस्कृत में कहते हैं तोतत्रम, तोतत्रम। चाय, चाय को संस्कृत में कहते हैं चायम। चाय का बर्तन यानी टीपॉट, इसको संस्कृत में कहते हैं चाय पात्रम। चारण, चारण को संस्कृत में कहते हैं कुशीलः। चारों ओर मुड़ने वाली कुर्सी को संस्कृत में कहते हैं परपः। चारों ओर वर्ण यानी चारों वर्ण को संस्कृत में कहते हैं चातुवर्ण्यम। चाल, चाल को संस्कृत में कहते हैं गतिः। चावल, चावल को संस्कृत में कहते हैं तंडुलः। चिड़िया,
चिड़िया को संस्कृत में कहते हैं चटका, चिक्षिका पत्रिन, चित्तीदार घोड़ा को संस्कृत में कहते हैं चित्ररासभ, चित्रकार या पेंटर को संस्कृत में कहते हैं चित्रकार, चिमटा, चिमटा को संस्कृत में कहते हैं संदसह, चिलमजी को संस्कृत में कहते हैं हस्तधावनी, चिड़, चिड़ को संस्कृत में कहते हैं भद्रदारुआ, चिता, चिता को संस्कृत में कहते हैं तरक्षुह या चित्रकह, चीनी, चीनी को संस्कृत में कहते हैं सिता, चील, चील को संस्कृत में कहते हैं चीलह, चुंगी आयात पर, इसको संस्कृत में कहते हैं आयात शुल्कम, चुंगी का अध्यक्ष, इसको संस्कृत में कहते हैं सौलिकः या सौलकीकः, चुकंदर, चुकंदर को संस्कृत में कहते हैं पालंग शाकः, चुनिहार, चुनिहार को संस्कृत में कहते हैं कांच कंक वर्ण विक्रेता, चुन्नी, चुन्नी को संस्कृत में कहते हैं मणिकयम, चुपचाप, चुपचाप को संस्कृत में कहते हैं तुषणीम, चुनी, चुनी को संस्कृत में कहते हैं कांच वलय या कांच वलयम, चूरन, चूरन को संस्कृत में कहते हैं चूर्ण, चूहा, चूहा को संस्कृत में कहते हैं मुषकः, चेतक, चेतक को संस्कृत में कहते हैं शीतला, चैत, चैत को संस्कृत में कहते हैं चैत्र, चोटी, चोटी को संस्कृत में कहते हैं शिखा, चोटी, चोटी को संस्कृत में कहते हैं श्रृंगदम, चोर, चोर को संस्कृत में कहते हैं तस्करः, चौड़ी सड़क, चौड़ी सड़क को संस्कृत में कहते हैं रथ्या, चौराहा, चौराहा को संस्कृत में कहते हैं चतुष्थ, छछुंदर को संस्कृत में कहते हैं छछुंदरा, छज्जा को संस्कृत में कहते हैं वल्वी, छत को संस्कृत में कहते हैं छदिह, छाता को संस्कृत में कहते हैं छात्रम, छात्र, छात्र को संस्कृत में कहते हैं अध्येता, छात्रा, अध्येत्री, छिपकली को संस्कृत में कहते हैं गृहगोधिका, छुट्टी को संस्कृत में कहते हैं अवकाशः, छुरा को संस्कृत में कहते हैं सुरक्षुरम या यक्षुरम, छेद को संस्कृत में कहते हैं चिद्र, छेनी, छेनी को संस्कृत में कहते हैं वृश्चनः, छोटा भाई को संस्कृत में कहते हैं अनुजः या निष्ठ सरोद्रः, जंगल, जंगल को संस्कृत में कहते हैं वनम या काननम, जंगा, जंगा को संस्कृत में बोलते हैं उरु, जड़, जड़ को संस्कृत में कहते हैं मूलम, जब, जब को संस्कृत में कहते हैं यदा, जब तक को संस्कृत में कहते हैं यावत, जबरदस्ती, जबरदस्ती को संस्कृत में कहते हैं प्रसया, जर्मन सिल्वर को संस्कृत में कहते हैं चंद्रलोहम, जल, जल को संस्कृत में कहते हैं तोयम, जलकर्ण, जलकण को संस्कृत में कहते हैं सिकरह, जल तरंग को संस्कृत में कहते हैं जल तरंगः, जलपान, जलपान को संस्कृत में कहते हैं जलपानम, जल सेनापति, जल सेनापति को संस्कृत में कहते हैं नौसेनाध्यक्षः, जलेबी, जलेबी को संस्कृत में कहते हैं कुंडली, जल्दी, जल्दी को संस्कृत में कहते हैं शीघ्रम, जवाकुसुम, जवाकुसुम को संस्कृत में कहते हैं जपापुष्पम, जस्ता, जस्ता को संस्कृत में कहते हैं यशदम, जहां, जहां को संस्कृत में कहते हैं यत्र, जहां कभी भी संस्कृत में कहते हैं यत्र कुत्रापि, जहां से संस्कृत में कहते हैं यतः, जांग संस्कृत में कहते हैं जंघा,
जांघिया। जांघिया को संस्कृत में कहते हैं अर्धोरुकम। जैकेट। जैकेट को संस्कृत में कहते हैं अंगरक्षक। जादूगर। जादूगर को संस्कृत में कहते हैं मायाकार। जामिन। जामिन को संस्कृत में कहते हैं प्रतिभूह। जामुन। जामुन को संस्कृत में कहते हैं जम्बूफलम या जम्बू। अगला है जार। जार को संस्कृत में कहते हैं उपत्तिह या कांच घटी, अगर जार कांच का हो। अगर जार प्लास्टिक या नॉर्मल जार है उसको हम बोलते हैं उपपत्तिह, अदरवाइज कांच का है तो कांच घटी। अगला है जितना। जितना को संस्कृत में कहते हैं यावत। जिराफ। जिराफ को संस्कृत में कहते हैं चित्रोष्ट। जिंद। जिल्द को संस्कृत में कहते हैं पर्यावरणम। जिसका। जिसका को संस्कृत में कहते हैं यदि। जीव। जीव को संस्कृत में कहते हैं जीवा या रसना। जुवारी। जुवारी को संस्कृत में कहते हैं छूत कर। जुकाम। जुकाम को संस्कृत में कहते हैं प्रतिशया। जुती हुई भूमि को संस्कृत में कहते हैं सीता। जुलाह। जुलाह को संस्कृत में कहते हैं तंतु वायह। जूता। जूता को संस्कृत में कहते हैं उपानह। जूता सीने की सुई, इसको संस्कृत में कहते हैं चर्म प्रभेदिका। जूही को संस्कृत में कहते हैं युथिका। जेठ को संस्कृत में कहते हैं ज्येष्ठ। जेल। जेल को संस्कृत में कहते हैं कारागारम। जेब्रा को संस्कृत में कहते हैं चित्ररासभ। जैसे को संस्कृत में कहते हैं यथा या तथाही। जोर से को संस्कृत में कहते हैं उच्चेह। जौ। जौ को संस्कृत में कहते हैं यवह। ज्वार। ज्वार को संस्कृत में कहते हैं यवनालह। झगड़ा। झगड़ा को संस्कृत में कहते हैं विवादः। झरना। झरना को संस्कृत में कहते हैं प्रपातः। झाड़ी। झाड़ी को संस्कृत में कहते हैं निकुंजः। झाड़ू। झाड़ू को संस्कृत में कहते हैं मार्जनी। छिपकली। छिपकली को संस्कृत में कहते हैं ग्रहघोटिका या सरटः। झील। झील को संस्कृत में कहते हैं सरसी। झोपड़ी। झोपड़ी को संस्कृत में कहते हैं उटजह। टकसालाक्ष। टकसालाध्यक्ष को संस्कृत में कहते हैं नैस्किस्कः। टखना, पैर के जोड़ की हड्डी, इसको संस्कृत में बोलते हैं गुल्फः। टब। टब को संस्कृत में कहते हैं द्रोणी या द्रोणीः। टमाटर। टमाटर को संस्कृत में कहते हैं रक्त वंदकम या हिंडीर। टाइफाइड। टाइफाइड को संस्कृत में कहते हैं शनि पातचरः। टाइम टेबल। टाइम टेबल को संस्कृत में कहते हैं समय सारणी। टिंडा। टिंडा को संस्कृत में कहते हैं टिंडिशः। टिकुली। टिकुली को संस्कृत में कहते हैं ललाटा वर्णम। टिटहीर। टिटिहीर को संस्कृत में कहते हैं टिटिभ्य। टिंडी या पतंगा, इसको संस्कृत में कहते हैं सलभः। टीका। टीका को संस्कृत में कहते हैं ललाटिका। टीन। टीन को संस्कृत में कहते हैं त्रपुः। टीन की चादर को संस्कृत में कहते हैं त्रपुफलम। टी पार्टी को संस्कृत में कहते हैं शपीतिः। टियर गैस। टियर गैस को संस्कृत में कहते हैं धूमाश्रम। टुकड़ा। टुकड़ा को संस्कृत में कहते हैं खंडः। टूथपेस्ट को संस्कृत में कहते हैं दंत पिष्टकम्। टेनिस का खेल, इसको संस्कृत में कहते हैं प्रतिक्षिप्त या कुंदुक क्रीड़ा। टैक्स को संस्कृत में कहते हैं करः। टॉफी या मीठी गोली को संस्कृत में कहते हैं गुल्यः।
टोस्ट, टोस्ट को संस्कृत में कहते हैं भष्टापूपः। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को संस्कृत में कहते हैं खनियंत्रम। ठंडा, शीतलः, ठंड। पंचकः, ठुड्डी, ठुड्डी को कहते हैं चिबुकम। ठंडल, इसको संस्कृत में कहते हैं वरंतम। डबल रोटी, इसको संस्कृत में कहते हैं अभ्युषः। डस्टर, इसको संस्कृत में कहते हैं मार्जकः। ड्राइंग रूम, इसको संस्कृत में कहते हैं